नियम नंबर एक, कभी पैसा मत गवाइए। नियम नंबर दो, कभी नियम नंबर एक मत भूलिए। कभी भी नदी की गहराई को दो पैरों से नहीं नापना चाहिए। खर्च करने के बाद जो बचा है उसे मत बचाओ, लेकिन सेव करने के बाद जो बचा है केवल उसे ही खर्च करो। यदि आपको सोते समय पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं मिलता है तो आप मरते दम तक काम करेंगे। पैसा सब कुछ नहीं है। सुनिश्चित करें कि आप ऐसी बकवास बोलने से पहले बहुत सारा पैसा कमाते हैं। जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आप कमाओगे। अगर कोई आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इस वजह से कि किसी ने बहुत समय पहले ये पेड़ लगाया होगा। सिर्फ एक कमाई के ऊपर निर्भर मत रहो, अपनी दूसरी कमाई के स्रोत को बनाने के लिए निवेश करो। अगर पुराना इतिहास ही सारा खेल होता तो इस दुनिया में लाइब्रेरियन सबसे बड़े अमीर होते। ईमानदारी सबसे महंगा तोहफा है, छोटे लोगों से इसकी उम्मीद ना करें। आपको केवल अपने जीवन में बहुत कम चीजें सही करनी है, जब तक कि आप बहुत सी चीजों को गलत ना करें। मुझे हमेशा से पता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैंने एक मिनट के लिए भी इस बात पर शक किया। अपनी साख बनाने में 20 साल लग जाते हैं, वहीं इसे गंवाने में बस 5 मिनट लगते हैं। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो चीजें अलग तरीके से कर सकते हैं। यदि आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है। मैं 7 फुट के अवरोध को पार करने की नहीं सोचता, मैं 1 फुट का अवरोध ढूंढता हूं जिसे मैं पार कर सकूं। ज्वार चले जाने के बाद ही पता चलता है कि कौन कौन लोग नंगे तैर रहे थे। जब मेरी पहली पत्नी ने अपना क्रेडिट कार्ड खो दिया तो मैंने इसकी सोचना नहीं दी, क्योंकि जिसने भी इस कार्ड को पाया था वह उससे कम खर्च कर रहा था। कीमत वो है जो आप भुगतान करते हैं, मूल्य वो है जो आप पाते हैं। जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता है कि आप क्या कर रहे हैं। एक टोकरी में अपने सभी अंडे मत डालो, यानी कि अपने निवेश को विविधता प्रदान करें। एक अमीर आदमी को $1,000 दीजिए, वह $1,00,000 के साथ लौटेगा। एक बिना पैसे वाले गरीब आदमी को $1,000 दीजिए, वह जॉर्डन और TR जीन्स की एक जोड़ी के साथ लौटेगा। आपका पैसा आपको अमीर बनाता है, आपका समय आपको धनवान बनाता है। जब सभी लालची हो जाते हैं तो हम डर के रहते हैं, और जब सभी डर जाते हैं तब हम लालची बन जाते हैं। मैं महंगे कपड़े खरीदता हूं, बस वो मेरे ऊपर सस्ते दिखते हैं। हमेशा लंबी अवधि के लिए निवेश करें। मैं कभी शेयर बाजार से पैसे बनाने की कोशिश नहीं करता। मैं इस धारणा के साथ शेयर खरीदता हूं कि बाजार अगले दिन बंद हो जाएगा और 5 साल तक नहीं खुलेगा। मार्केट में जो उतार चढ़ाव होते हैं उसे अपना दोस्त समझिए, दूसरों की मूर्खता का लाभ उठाएं, लेकिन इसका हिस्सा मत बनिए। अगर बिजनेस अच्छा करता है तो स्टॉक खुद ब खुद अच्छा करने लगते हैं। अपने से बेहतर लोगों के साथ समय बिताना अच्छा होता है। ऐसे सहयोगी बनाएं जिनका व्यवहार आपसे अच्छा हो और आप उस दिशा में बढ़ जाएंगे। एक शानदार कंपनी को उचित कीमत पर खरीदना एक उचित कंपनी को शानदार कीमत पर खरीदने से कहीं बेहतर है। मैं जिन अरबपतियों को जानता हूं, पैसा बस उनके अंदर बुनियादी लक्षण लाता है। अगर वो पहले से मूर्ख थे तो अब वो अरबों डॉलर के साथ मूर्ख हैं। केवल वही खरीदिए जिसे आप खुशी के साथ अगले 10 सालों तक होल्ड कर सकें। आज का निवेशक कल की बढ़त से फायदा नहीं कमाता। समय अच्छी कंपनियों का मित्र होता है और औसत दर्जे की कंपनियों का दुश्मन।
अगर आपके पास 120 या 130 से ज़्यादा IQ है तो आप दूसरे लोगों को धन देने का जोखिम उठा सकते हैं। आपको एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए असाधारण बुद्धिमत्ता की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मानवता के सबसे भाग्यशाली 1% में हैं तो आप अन्य 99% के बारे में सोचने के लिए मानवता के बाकी हिस्सों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। हम इतिहास से जो सीखते हैं वो ये है कि लोग इतिहास से कुछ नहीं सीखते। आपके द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण निवेश अपने आप में है। आप किसी बुरे व्यक्ति के साथ अच्छी डील नहीं कर सकते। डेरिवेटिव्स सामूहिक विनाश के वित्तीय हथियार हैं। अगर बिजनेस अच्छा करता है तो स्टॉक खुद ब खुद अच्छा करने लगते हैं। वॉल स्ट्रीट ही एक ऐसी जगह है जहां रोल्स रॉयस से चलने वाले लोग सबवे में जाने वाले लोगों से सलाह लेने आते हैं। जितने बुद्धिमान पत्रकार उतना ही बेहतर समाज। एक सीमा तक लोग खुद को सजग रखने के लिए प्रेस विज्ञप्ति पढ़ते हैं और जितना बेहतर शिक्षक उतने ही अच्छे छात्र। खेलों को उन खिलाड़ियों द्वारा जीता जाता है जिनका ध्यान खेल के मैदान में होता है, ना कि उन खिलाड़ियों द्वारा जिनकी नजरें स्कोरबोर्ड पर टिकी रहती हैं। आदत का सिलसिला महसूस किया जाए तो मामूली है, लेकिन आदत तोड़ने की बात हो तो बहुत मुश्किल है।